नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोयला नगरी धनबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि लोग भयमुक्त होकर मतदान कर सकें और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। इसी क्रम में निरसा अनुमंडल में SDPO रजत मानिक बाखला के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पूरे इलाके में वाहन चेकिंग बढ़ा दी गई है, साथ ही बंगाल सीमा पर सख्त निगरानी की जा रही है। इसी का नतीजा है कि बीते दिनों पुलिस ने कई वाहनों से नकदी बरामद की। इसके साथ ही अवैध हथियारों के सौदागर एक माँ बेटे को हथियार बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। एराइज न्यूज से बात करते हुए निरसा SDPO रजत मानिक बाखला ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस हर संभव उपाय कर रही है और किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी आम नागरिक को किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की सूचना मिलती है तो वो पुलिस को सूचित करे, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। निरसा अनुमंडल में भयमुक्त चुनाव को लेकर पुलिस की क्या तैयारी है, इस पर एराइज न्यूज करेस्पोंडेंट पवन मोदी ने निरसा SDPO रजत मानिक बाखला से खास बात की। नमस्कार, आदरणीय तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जोहार। आपको बता दें कि जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर संपन्न शांति तरीके से संपन्न कराने के लिए अपने पूरे कन्यात अपने पूरी तरह से तैयारी है और हमारे साथ निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मानिक बाखला जी उपस्थित हैं और क्या कुछ कहेंगे आदरणीय जी, सीधे बात कर रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, अनुमंडल निरसा विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है और उनका जिम्मेवारी है कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहले तो सर आदरणीय जी, मैं आपको स्वागत, क्या कुछ तैयारियां सर रखेंगे। धन्यवाद। चुनाव को लेकर लगातार हमें वरीय पुलिस पदाधिकारियों का, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद और सभी पदाधिकारियों का जो है इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन पर जितने भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हम लोग सभी पालन कर रहे हैं। साथ में जितने भी निर्देश दिए गए हैं सभी का अनुपालन चुनाव के मद्देनजर हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावे अपराधियों पर अंकुश रखने के लिए जो पुराने क्रिमिनल्स जेल से छूटे हैं या फिर आपराधिक तत्व के लोग हैं समाज में जो शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं उन पे भी हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई विभिन्न प्रावधानों के तहत, जो कानूनी प्रावधान है CRPC में जो प्रावधान है उसके तहत भी और जो IPC में हम लोग लगातार उनको पनिश कर रहे हैं। हमारा चेक पोस्ट यहाँ पे निरंतर कार्यरत है 24 घंटे जो है, कुल 6 चेक पोस्ट है हमारे अनुमंडल क्षेत्र में जो निरसा विधानसभा क्षेत्र कवर करता है। जो भी सीमावर्ती क्षेत्र जितने लगे हैं, जहाँ हमारा मैथन OP में 2 चेक पोस्ट कार्यरत है, एक GT रोड पे है और एक डैम के किनारे है। साथ में चिरकुंडा पंचायत OP क्षेत्र में डैम के पास में और कालू बखान OP क्षेत्र में 2 चेक पोस्ट कार्यरत, टोटल 6 चेक पोस्ट 24 घंटे कार्यरत है। डेंजर जोन में भी उसको माना जाता है, तो वहाँ कैसे आपका सेफ्टी किया जा रहा है? वहाँ पे मजिस्ट्रेट भी है, साथ में पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त मात्रा में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और लाइट वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था है। उसके साथ में हम लोग निर्देश दिए हैं कि जो भी जल मार्ग से, जो बंगाल से बिहार ये झारखंड के रास्ते में जल मार्ग से आते हैं, उन पर भी समय समय पर आवश्यक रूप से वो चेकिंग किया जाता है। लगातार गश्ती पार्टी वहां पे मूवमेंट करती है और जो आने जाने लोग कर रहे हैं साथ में क्या सामान लेकर आ रहे हैं उन पर बैग वगैरह भी लगातार हम लोग चेक कर रहे हैं। क्षेत्र कुछ सीमा बूथ सेंसिटिव एरिया माना जाता है, जैसे बेगपुर हो गया या मदनपुर, ऐसे एरियाओं को कैसे आप कंट्रोल में रखें और क्या कुछ वहाँ व्यवस्था पुलिस की तरफ से स्पेशल रखी गई है? इस संबंध में पूरी व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन हमारे धनबाद और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के द्वारा में विस्तृत रूप से जो है इलेक्शन कमीशन हमारा माननीय है उनकी गाइडलाइन के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई है। इसमें चिन्हित किया गया है कौन से लोग बूथ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अगर कुछ वैसे वोटर है जिनको डरा धमका कर अगर प्रभावित किया जा सकता है तो उनको हम लोग वल्नरेबल बूथ्स के रूप में चिन्हित किए हैं और उसी हिसाब से जो गाइडलाइन के अनुसार है सारी व्यवस्थाएं, जो वेब कास्टिंग का है और भी पर्याप्त मात्रा में बल देने का है और जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग की तरफ से की गई है। साथ साथ में जो क्रिटिकल बूथ्स हैं वो बड़े संख्या में हमारे निरसा विधानसभा क्षेत्र में है, उसी हिसाब से बल की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त बल हम लोग को मिलेगी
और निश्चित रूप से जो गाइडलाइन है हम लोगों के पास। यहाँ एक और बड़ा बात है सर, निषद विधानसभा जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, सबसे बड़ा खेप बोले शराब की तो आपका पंचित के प्राप्त हुआ, जो धनबाद के सबसे बड़ा तक अभी तक का सबसे बड़ा रिजल्ट है जो आपके अनुमंडल में आता है, और इसे नहीं लगता है कि पुलिस को और ज्यादा तेजी होना चाहिए और उन लोगों को पहचान करके उन्हें जेल भेजने की तरफ जाना चाहिए? निश्चित रूप से इसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शराब के लिए जैसे आज कल भी हमारे कार्रवाई हुई, आज प्रेस ब्रीफिंग भी था उसी का, और पंचायत में भी काफी बड़ी खेप पकड़ाई है, इस संदर्भ में पहचान भी किया गया है और FIR जो 2 FIR हुए हैं, और चिरकुंडा में भी इससे पूर्व में गांजा और शराब की जो है हम लोग बरामदगी किए थे, और दोषियों पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ये कार्रवाई हुई है और लगातार हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अवैध जो जुआ है, लॉटरी है, सब पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एक माँ बेटा जिसे उषा देवी और कृष्णा यादव आपके आर्मी में जेल भेजा गया, तो उनका गिरोह का भी कुछ पता लग चुका है कि अभी वो अनुसंधान में अभी? जी बिल्कुल, वो कांड अनुसंधान अंतर्गत है अभी, उसमें लगातार अगर और लोग की संलिप्तता इसमें बेसिकली अभी तो पाया गया था प्राथमिक रूप से कि जो घर पे बेच रहे थे जो माँ और बेटा है वही दोनों कर रहे थे, साथ में उसके दामाद भी उसमें ऐड है, इसी तरह से और उनका लिंकअप अभी पता चल रहा है, अनुसंधान के क्रम में जो बातें सामने आएगी सभी पे हम लोग कर रहे हैं। माध्यम से उन्होंने असामाजिक तत्वों को लोग क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए? जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, हमारी पूरी टीम सतर्क है, और जितने भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हम लोग पर्याप्त मात्रा में हम लोग सुसज्जित है, पर्याप्त हमारे पास संसाधन है, हम लोग सारी शक्ति से हम लोग जो है आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, और जो आपराधिक तत्व है उनको जेल के सलाखों के पीछे। एक लास्ट सवाल है सर आपसे कि यहाँ निषाद सेवन जनता जो आम जनता है वो भयमुक्त होकर मतदान दे सके, उसके लिए आप क्या विश्वास दिलाएंगे? एक लास्ट सवाल। बिल्कुल, ये हमारी तैयारी ही है, इसलिए जितने भी आपराधिक तत्व है सबसे पहले तो उन पर हम लोग नकेल कसे हैं विभिन्न प्रावधानों के तहत, तो जनता पूरी तरह से निष्पक्ष होकर पूरी तरह से निर्भीक होकर मतदान करें, किसी भी तरह की शिकायत है अगर तो हमारा कंट्रोल रूम जो है 24 घंटे कार्यरत है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं, और हमारा सभी का थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और हमारे सभी पदाधिकारियों का नंबर जो सरकारी नंबर है वो फ्लैश है, उसमें किसी भी तरह की गोपनीय सूचना है गोपनीय तरीके से दें, आपका नाम पूरी रूप से गुप्त रखा जाएगा, किसी तरह की परेशानी है तो सीधे निसंकोच बिना किसी माध्यम से बिना किसी दलाल के माध्यम से आप सीधे थाना में हमारे पास में जितने भी पदाधिकारियों के पास में सबके पास आप लोग अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये थे निरसा SDPO रजत मानिक बाखला जी, और अरानी से बात करते हुए बताएं कि निरसा विधानसभा जनता भयमुक्त होकर अपना मतदान दे सकते हैं, और ये अंकुश से लगाने का लेकर अपराधियों पर निरसा अनुमंडल पदाधिकारी की पैनी नजर है, और कई ऐसे घटनाओं का उद्भेदन किए, शराब के मामला हो या आम रेट का, तमाम गतिविधियों पर वो नजर कर रखे हुए हैं, और आगे उस तरह की गतिविधि को भी वो नजर रखते हुए यहाँ के जनता से वो एक संदेश भी दिए हैं आरानी के माध्यम से कि भय मुक्त होकर अपना मत दें, और यदि किसी तरह से घुटने सूचना मिलता है गुप्त सूचना यदि आपको तो वो डायरेक्ट आप अधिकारियों से मिले, जिससे आपका नाम भी गुप्त रहेगा और कार्रवाई भी होगी। आरानी के लिए निशा विधानसभा क्षेत्र से पवन मोदी।